सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर चल रहा था 6, जिसमें हमने प्रश्नावली 6.1 कंप्लीट कर ली। आज पढ़ेंगे प्रश्नावली विविध। तो देखिए विविध प्रश्नमाला 6। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन, हाँ, तो टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान, टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान। अब देखिए टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो आंसर देख लीजिए। हाँ, टेन 60 डिग्री का मान होता है √3। तो स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो बराबर क्या आएगा, 3। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आ जाएगा के, पहला ही आंसर। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर, 3। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। 2 साइन स्क्वायर 60 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, तो आंसर, हाँ, तो यहाँ से 2 इंटू साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, इंटू कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3/4, कितना हो जाएगा, √3/2 का स्क्वायर 3/4 इंटू 1/2। तो 2 से 2 ये तो कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3/4। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 3/4। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। कह रहा है कोसेक थीटा बराबर है 2/√3 हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, कोसेक थीटा बराबर क्या है, 2/√3। आगे बात सुन, तो आपको कोसेक वाली लाइन में देखना है कि 2/√3 किसका मान है। आगे बात, कोसेक 60 डिग्री का, कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, 2/√3। कोसेक थीटा बराबर 2/√3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक 60 डिग्री। आगे बात सुन, चूंकि कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, 2/√3। आगे बात, अब देखिए आपको पता है साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। तो कोसेक 60 क्या होता है, साइन का उल्टा, यानी 2/√3। तो यहाँ से तुलना करने पर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। थीटा का मान कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। आगे बात सुन, इसको रेडियन में हम कैसे लिखेंगे, तो थीटा बराबर 60 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, π/3। रेडियन में π/3 और डिग्री में 60 डिग्री। क्लियर है? तो देख लीजिए इसका आंसर, तो π/3 तीसरे का आंसर हो जाएगा ख। क्लियर है? इसी प्रकार देखिए चौथा क्वेश्चन, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, 45 डिग्री 1/√2, इसका स्क्वायर करोगे 1/2 आ जाएगा इसका आंसर। और पांचवा ये भी आपको ही करना है, थीटा का मान 45 डिग्री दे रखा है, इसमें रखना है, ये हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो देख लीजिए। सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है, क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 17 तक सारे सिद्ध करने वाली है। तो क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, कि कॉस 60 डिग्री बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री -1, ये आपको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करेंगे तो पहले लेफ्ट हैंड साइड फिर राइट हैंड साइड, तो आंसर लेफ्ट हैंड साइड बराबर, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2, तो ये आपके आगे लेफ्ट हैंड साइड। अब देख लीजिए राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है, 2 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री -1, कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, 2 इंटू कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 का स्क्वायर -1, ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3/4, कितना हो जाएगा, 3/4। क्लियर है? माइनस का 1, तो कितना हो जाएगा, 2 कैंसिल हो गया, 3/2 -1, 3/2 में से 1 घटाएंगे क्या आएगा, 1/2। अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड। क्लियर है? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 भी क्या है, सिद्ध करना ही है। क्या देर का, साइन 60 डिग्री
साइन 60 डिग्री बराबर टू टेन 30 डिग्री बट्टा वन प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। आगे बात सुन, आप राइट हैंड साइड लेके ये साइड निकाल सकते हो, या फिर लेफ्ट हैंड साइड में साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, रूट तीन बटा दो, वहाँ तक रख दीजिए। फिर आप आइए राइट हैंड साइड ले लीजिए, इसका मान भी क्या आएगा, रूट तीन बटा दो। क्लियर है? तो एक तरीका वो बता देता हूँ, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड हम कैसे लेकर आएंगे, तो देख लीजिए। तो राइट हैंड साइड क्या है, टू टेन 30 डिग्री बट्टा वन प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। दो टेन 30 डिग्री का मान वन अपॉन रूट थ्री बट्टा वन प्लस वन अपॉन रूट थ्री का होल स्क्वायर। तो ऊपर क्या आ जाएगा, दो बटा रूट तीन, नीचे क्या आ जाएगा, वन प्लस एक बटा तीन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये दो बटा रूट तीन बट्टा तीन प्लस एक चार बटा तीन बराबर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दो बटा रूट तीन एन टू तीन ऊपर भेज दीजिए तीन बटा चार। क्लियर है? तो दो से ये कैंसिल हो गया, दो रूट तीन से ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, रूट तीन। तो क्या आ गया, रूट तीन बटा दो। अब देखिए रूट तीन बटा दो किसका मान होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है। साइन 60 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, साइन 60 डिग्री किसके बराबर होता है, रूट तीन बटा दो के। आप लिख भी सकते हो, चूंकि साइन 60 डिग्री बराबर होता है रूट तीन बटा दो। आगे बात बराबर आ गया, साइन 60 डिग्री इसको आप क्या लिख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ गया आपके, लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर ना? तो देखिए राइट हैंड साइड का मान भी क्या आया, रूट तीन बटा दो। अब आप चाहे तो आप ये भी ले सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री बराबर क्या होता है, रूट तीन बटा दो। तो ऐसे भी कर सकते हो, जैसे यहाँ तक सॉल्व किया ये हो गया आपका आंसर। आप इसको एक तरीका और भी है वैसे भी कर सकते हो, ये देखिए इसका मान राइट हैंड साइड का क्या आ गया, रूट तीन बटा दो। अब आप लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, रूट तीन बटा दो। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। क्लियर है? तो किसी भी प्रकार आप कर सकते हो। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको स्वयं को करना है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में है साइन 45 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री का होल स्क्वायर बराबर क्या सिद्ध करना है, दो। आगे बात सुन, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, हाँ लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है, साइन 45 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री का होल स्क्वायर। साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, वन अपॉन रूट टू प्लस कोस 45 डिग्री का मान भी वन अपॉन रूट टू का स्क्वायर। हाँ तो लेस पे ले लेंगे क्या आएगा, रूट दो, ऊपर क्या, वन प्लस वन का स्क्वायर, वन प्लस वन दो बटा रूट दो का स्क्वायर। आगे बात सुन, अब देखिए चाहे तो यहाँ से सीधे आप स्क्वायर कर लीजिए, देखिए दो का स्क्वायर क्या हो जाएगा, चार, रूट दो का स्क्वायर दो, तो चार बटा दो बराबर क्या आ गया, दो। ये बराबर आपकी क्या आ गई, राइट हैंड साइड। आगे नंबर, या फिर यहाँ से पहले काटते हो तो रूट दो से दो कटेगा तो क्या बचेगा, रूट दो का स्क्वायर दो। क्लियर है? ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ईजी क्वेश्चन है, केवल आपको वो सारणी याद रहनी चाहिए, सारणी में जो मान है ना वो सारे के सारे 90 डिग्री तक के, वो सारणी के मान पूरे आपको याद होने चाहिए, तो प्रश्नावली 6 में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है? तो 10वां क्वेश्चन आपको स्वयं को करना है, मान रखना है। 11वां क्वेश्चन देख लीजिए, 11वां क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री इंटू कोट स्क्वायर 60 डिग्री का मान आपको ज्ञात करना है। तो इसका मान, तो देखिए साइन स्क्वायर 60 डिग्री इंटू कोट स्क्वायर 60 डिग्री बराबर, हाँ साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, रूट तीन बटा दो का स्क्वायर। कोट 60 डिग्री, कोट 60 डिग्री का मान क्या होगा, वन अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर। तो रूट तीन बटा दो का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तीन बटा चार इंटू वन अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर वन अपॉन थ्री, तो कैंसिल हो गया, तीन से तीन क्या आएगा, एक बटा चार। तो इसका मान क्या आ जाएगा, एक बटा चार। तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11वां। अब देखिए क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 12वां आपको ही करना है। क्वेश्चन नंबर 13वां देख लीजिए क्या है। यदि कोट थीटा बराबर क्या है 1/√3, कोट थीटा बराबर क्या है 1/√3 हो तो सिद्ध कीजिए। वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा बट्टा 2 - sin² θ बराबर 3/5, ये आपको सिद्ध करना है। अब देखिए क्या दे रखा है, दे रखा है कि कोट थीटा बराबर कितना है, कोट थीटा बराबर है 1/√3। तो आपको ये चीज़ें यहाँ से आपको क्या ज्ञात, कोस थीटा ज्ञात करना है और साइन थीटा आपको ज्ञात करना है। तो कोस थीटा और साइन थीटा क्या होता है, अब देखिए आंसर, अब ध्यान से देखना। समकोण त्रिभुज ये मान लीजिए थीटा है, आगे बात, ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी, ये वाला कोण क्या है थीटा है। अब कोट थीटा क्या होता है, कोट का सूत्र क्या होता है, कोट, तो यहाँ से कोट क्या होगा, आधार बट्टा लंब, ये आपका आधार, ये लंब और ये करण, तो आधार बट्टा लंब यानी कोट थीटा बराबर आधार कितना दे रखा है 1/√3, कितना दे रखा है √3। आगे ना वास्तव में, तो ये वाला आधार कितना दे रखा है 1 और लंब कितना दे रखा है √3। आगे वास्तव में तभी तो कोट थीटा क्या होगा, आधार बटा लंब यानी 1/√3। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा करण, तो करण देख लीजिए कितना आ जाएगा, तो करण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो करण स्क्वायर बराबर 1 + 3, करण स्क्वायर बराबर 4, तो के बराबर कितना आ जाएगा 2, तो के बराबर कितना आ जाएगा 2। आगे बात समझ में, तो ये हो गया। अब देखिए नाउ साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा करण, तो लंब कितना हो जाएगा √3 बटा करण कितना 2। कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा करण, आधार कितना 1 बटा कितना आ गया 2। आगे बात सुन, एक तो ये तरीका हो गया साइन थीटा और कॉस थीटा निकालने का। आगे बात सुन, दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका क्या है कि कोट थीटा बराबर कितना आया, कोट थीटा बराबर क्या 1/√3, तो आप इसको लिख सकते हो कोट थीटा बराबर 1/√3। कोट किसका मान होता है, कोट 60° का मान होता है, कोट 60° का मान क्या होता है 1/√3, तो 1/√3 को मैंने क्या लिख दिया, कोट 60°, तो यहाँ से थीटा बराबर कितना आ गया 60°, थीटा का मान कितना आ गया 60°। अब ये थीटा का मान आप यहाँ रख दीजिए, तो कोस स्क्वायर 60°, तो कोस 60° का मान क्या होता है 1/2, साइन स्क्वायर 60°, साइन 60° का मान क्या होता है 3/√3। आगे बात सुन, तो कोई सा भी तरीका आप कर सकते हो, तो यहाँ से एक साइन और कोस का मान आ गया। नाउ लेफ्ट हैंड साइड बराबर, लेफ्ट हैंड साइड में ये है 1 - cos² θ / 2 - sin² θ, तो 1 - cos² θ का मान कितना आया 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर बट्टा 2 - sin² θ का मान क्या आया 3/2 का स्क्वायर, तो 1 - 1/4 बट्टा 2 - 3/4, तो 1 - 1/4 कितना हो जाएगा 3/4 बट्टा 4 × 8, 8 - 3, 5/4, तो नीचे वाले 4 से नीचे वाला 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा ऊपर 3 नीचे 5 बराबर 3/5, ये बराबर आ गई आपकी राइट हैंड साइड। आगे ना वास्तव में, तो इस प्रकार निकालना है, कोट थीटा दे रखा है तो उसे आप अन्य त्रिकोण सारे के सारे त्रिकोण में अनुपात निकाल सकते, देखिए आधार बटा लंब, तो आधार निकाले लंब निकाले उससे आप करण निकाले। अब आप किसी का भी मान निकाल सकते हो, कोट थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, सेक कोसेक, किसी का भी मान निकाल सकते हो, और फिर ये दे रखा है इसमें कोस और साइन चाहिए, तो कोस और साइन के हमने यहाँ पे निकाल लिए और ये आपका आंसर क्लियर है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में सीधे मान रखने हैं, ये आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 15 में भी सीधे मान रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, कॉस 30° प्लस साइन 60° बट्टा 1 + cos 60° प्लस साइन 30° बराबर कितना
रूट तीन बटा दो, ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है, कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री बट्टा 1 प्लस कोस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। आ गई बात समझ में? तो यहाँ से कोस 30 डिग्री का मान, कोस 30 डिग्री का मान होता है रूट तीन बटा दो, प्लस साइन 60 डिग्री का मान भी होता है रूट तीन बटा दो, बट्टा 1 प्लस कोस 60 डिग्री का मान होता है एक बटा दो, साइन 30 डिग्री का मान होता है एक बटा दो। तो ये कितना हो जाएगा, रूट तीन, रूट तीन बटा दो प्लस रूट तीन बटा दो, तो कितना हो जाएगा, लेस पे ले लीजिए दो, रूट तीन प्लस रूट तीन बट्टा आधा प्लस आधा एक, एक प्लस एक, तो रूट तीन प्लस रूट तीन कितना हो जाएगा, दो रूट तीन बट्टा दो बट्टा दो। तो यहाँ से देख लीजिए, दो से दो कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा रूट तीन, नीचे क्या बचा दो, क्या सिद्ध करना था, रूट तीन बटा दो आ गया आपका, ये आपकी राइट हैंड साइड, क्लियर है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए क्या है, 2 इंटू कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर क्या सिद्ध करना है, 6। तो वही लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या आपकी 2 इंटू कॉस स्क्वायर 45 प्लस टेन स्क्वायर 60 माइनस 6 इंटू साइन स्क्वायर 45 माइनस टेन स्क्वायर 30। 2 इंटू हाँ कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 का मान क्या होता है 1 अपॉन रूट टू का स्क्वायर प्लस टेन 60 डिग्री का मान रूट तीन का स्क्वायर माइनस 6 इंटू साइन 45 वन अपॉन रूट टू का स्क्वायर माइनस टेन 30 डिग्री 1 अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2। अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन रूट टू का 1/2 प्लस 3 माइनस 6 इंटू 1/2 माइनस 1/3। तो ये कितना हो जाएगा, 7/2, तो 2 इंटू 7/2 माइनस 6 इंटू ये कितना हो जाएगा, बटा में आ जाएगा 6 3 माइनस 2। आगे बात समझ में? तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचेगा क्या 7 माइनस 6 से 6 कैंसिल हो गया, 3 माइनस 2 1, क्या बचेगा 7 माइनस 1 6, क्या सिद्ध करना था 6। तो ये बराबर आ गई आपकी राइट हैंड साइड, क्लियर है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17। तो विविध के सारे क्वेश्चन हो गए, तो कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, त्रिकोणमितीय सर्व समीकाएँ, त्रिकोणमितीय सर्व समीकाएँ। तो आज की क्लास में इतना, चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो गया, इसके जो क्वेश्चन घर पे दिए हैं वो आप घर पे करना, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो वापस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, यहाँ पे करवा देंगे। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।